समाचार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। इस यात्रा से उन्हें फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। बेशक राहुल की यात्रा से जोड़ने के लिए तमाम लोग निकल पड़े थे, तमाम नेता नजर आए, लेकिन इस यात्रा के दौरान गठबंधन साथी कांग्रेस से टूटने लगे हैं। पहले ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए तो अब अखिलेश यादव ने निशाना साधा। गठबंधन टूट रहा है, राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं, साथी अलग हो रहे हैं, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे विपक्ष का दूर दूर तक वास्ता नहीं। देश को जोड़ना है, सबको एक साथ लाना है और पूरे देश में ये जो नफरत का बाजार इन लोगों ने खोल रखा है इसको बंद करना है और मोहब्बत की लाखों दुकानें खोल ली है। राहुल गांधी सबको एक साथ लाने का वादा कर रहे हैं लेकिन उनकी इस यात्रा से अपने ही दूर हो चुके हैं। ममता बनर्जी इसलिए खफा हैं क्योंकि उन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा का न्योता नहीं मिला और अखिलेश यादव इसलिए नाराज हैं क्योंकि राहुल गांधी ने उन्हें यात्रा में शामिल होने के लिए बुलावा तक नहीं भेजा और यही वजह है कि अब विपक्ष के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी के साथ कांग्रेस से दूरी बना चुके हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए मुश्किल तो यह है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। जरा कोनो दिन चाय दुकाने बसे ही नहीं, चा बनाते जाने ही ना, বাচ্চাদের আদর করেই নি, শিশু বলতে কি বোঝেই না, বিড়ি বাদ্যে জানেই না কোনোদিনও, বিড়ির বদলে অন্য কিছু হয়তো খায়, খেতেই পারে, আমাদের গ্রামীণ লোকেরা অনেকে বিড়ি খায়। রাহুল ভালে হি ভারত জোড়নে নিকলে হো লেকিন উনকি ইস যাত্রা কে বীচ হি গঠবন্ধন টুটনে লাগা হে তো দূসরি তরফ রাহুল কে উস অবতার পর ভি নিশানা সাধা জা রাহা হে জিসমে ও ঝাড়খণ্ড কে দেবঘর মে পূজা করনে পৌঁছে থে। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, राहुल गांधी न घर के हैं और न घाट के। ऐसा है ना, ये घर के हैं न घाट के हैं। अब पहले आप इन्होंने जो है वो अपने आप को सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा दिखाने की कोशिश की, रूम में टोपी, रोड पे तिलक का जो है वो तांडव किया, माहौल बनाया, नाटक किया और अब जो है वो सामंती सूरमा बनने, अब जो है वो सनातनी सूरमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ऐसी स्थिति में उन्हें समझ लेना चाहिए कि वो सोचते हैं कि हम इससे जो है वो बीजेपी की कार्बन कॉपी बन जाएंगे, तो वो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हैरानी की बात तो ये है कि जब राहुल गांधी देवघर में पूजा पाठ कर रहे थे उसी समय मोदी मोदी के नारे लगने लगे जिस पर राहुल गांधी झेप गए और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। यानी राहुल गांधी की इस यात्रा के अब अलग अलग रंग दिखने लगे हैं क्योंकि एक तरफ गठबंधन सहयोगी इस बात से नाराज हैं कि उन्हें यात्रा के लिए न्योता नहीं मिला तो दूसरी तरफ जनता इस बात से कंफ्यूज है कि राम विरोधी राहुल गांधी मंदिर में क्या कर रहे हैं। और इसी आपाधापी के बीच अब भारत न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में एंटर होने वाली है जहाँ अखिलेश यादव स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश बीजेपी ने पार्टी ज्वाइनिंग अभियान की शुरुआत की। इसकी शुरुआत हुई और शुरुआत के साथ ही कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अजय सिंह यादव बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। अपने अभियान के तहत बीजेपी पार्टी के उन नाराज नेताओं को भी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रही है जो नाराज होकर
पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी का मेगा ज्वाइनिंग अभियान, पार्टी ने अभियान का उद्घाटन किया और बोहनी हो गई। बोहनी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, अजय सिंह यादव के रूप में हुई। वहीं अजय सिंह जो कमलनाथ के करीबी कहे जाते हैं, सत्ता के सबसे बड़े महासंग्राम के लिए बीजेपी ने महाअभियान की शुरुआत की है। महाअभियान विरोधी पार्टियों के नाराज नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाने की। पार्टी ने अभियान की शुरुआत की और कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह यादव बीजेपी कार्यालय पहुंचे। प्रदेश प्रभारी आशीष अग्रवाल से मुलाकात हुई, बीडी शर्मा से हाथ मिलाया, गले लगे और बीडी शर्मा ने पार्टी का गमछा पहना दिया। बस क्या था, अजय सिंह भगवाधारी हो गए। पार्टी के झंडे का रंग बदलते ही अजय सिंह की जुबान बदली और मोदी मोदी का जाप करने लगे। जिस तरह से आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की देश के प्रति समर्पण की जो नीतियां हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस पार्टी द्वारा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जैसे आयोजन का विरोध किया गया, समस्त देशवासियों की भावनाओं को आहत किया। ऐसी पार्टी के साथ देश का भविष्य नहीं हो सकता है। ये वही अजय सिंह है जिन्हें कमलनाथ का करीबी माना जाता है। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि वो खरगपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय मैदान में उतर आए। हाल ही में कमलनाथ से प्रमोद कृष्णम के बीजेपी में शामिल होने पर सवाल पूछा गया। कमलनाथ ने कहा, जो जहां चाहे जा सकता है। ये पार्टी तय करेगी, अभी कोई बातें तय नहीं है। सबसे चर्चाएं हो रही है, जो जीतता है उसे पार्टी उतारेगी। जो प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे, जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम। अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। एमपी में बीजेपी का मेगा ज्वाइनिंग अभियान 28 फरवरी तक चलेगा, जिसमें बीजेपी उन नेताओं को पार्टी में शामिल कराएगी जो अपनी पार्टी से नाराज हैं। इस दौरान बीजेपी उन नेताओं का भी मनुहार कर घर वापसी करवाएगी जिन्होंने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी थी। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी की दरकती दीवार के बीच वो विरोधी नेता इसे अवसरवाद बता रहे हैं। सत्ता के सबसे बड़े महासंग्राम लोकसभा चुनाव 2024 में देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े अभियान की शुरुआत शानदार हुई है। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी को उम्मीद है, आगाज अच्छा हुआ है तो अंजाम दमदार होगा। कांग्रेस के लिए ये चुनौती है, सूबे की सत्ता हथियाने की आज धूमिल होने के बाद केंद्रीय चुनाव में अपनी साख बचाने की। शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 7 जनवरी से गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत पार्टी के आला नेता गांव-गांव जाकर एक दिन यानी कि महज 24 घंटे यहां पर विश्राम करेंगे। पार्टी का ये प्लान ग्रामीण वोटरों को साधने के लिए है। दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी के इस अभियान पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि विधानसभा चुनाव में जो वादा किया उसे तो पूरा किया नहीं, किस मुंह से गाँव जा रहे हैं। सत्ता के संग्राम में छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग के जरिए बढ़त लेने की होड़ मची है। एक पार्टी वार कर रही है तो दूसरी पार्टी पलटवार। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, बयानों में तलखी बढ़ती जा रही है। एक तरफ बीजेपी अपने वादे, अपनी योजनाओं और जमीनी स्तर पर काम की बदौलत मैदान मारने का दावा करती है। पार्टी 7 फरवरी से गांव चलो अभियान की शुरुआत भी करने वाली है। इसके तहत पार्टी के नेता गांव-गांव जाकर 24 घंटे वहां वक्त बिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे सभी पदाधिकारी और मंडल इकाई तक के हमारे कार्य समिति के सदस्य, और 7 तारीख से इसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ में होगा। 11 तारीख तक हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, और प्रत्येक गांव में रात्रि विश्राम भी करेंगे, 24 घंटे उस गांव को देंगे। चलो गांव की ओर अभियान पर बीजेपी को पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी के भरोसे पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि किस मुंह से गांव चलो अभियान चला रहे हैं, विधानसभा चुनाव में जो वादा किया उसे तो पूरा किया नहीं। गांव की जनता इनसे पूछेगी, क्या हुआ तेरा वादा। कांच की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में गाँव के लोगों को ठगने का काम किया है। अब किस मुंह से लेके
फिर गांव चलो अभियान की बात कर रहे हैं। 3100 रुपये में धान की खरीदी किया इन्होंने, नहीं किया। धान की खरीदी पूरी होने वाली, अभी तक ना एक मुश्त भुगतान हुआ ना 3100 रुपये धान की कीमत दिया। जब ये गांव चलो अभियान में इनके नेता कार्यकर्ता गांव जाएंगे तो गांव वाले इनसे पूछेंगे कान पकड़ के कि भैया जो पहले वादा किया तो उसका क्या हुआ, कौन सा मूल्य के यहाँ आए हो। एक तरफ कांग्रेस सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी उसके सवालों को दरकिनार कर रही है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी जो वादे करती है उसे पूरा करती है। विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने गारंटी दी थी जिससे पूरा करने के लिए पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जनता को बीजेपी के वादे पर भरोसा है और इसी भरोसे के सहारे पार्टी सूबे की सभी 11 की 11 सीटें जीतने का दावा करती है। नहीं, कांग्रेस जब सरकार में रहती है खुद तो कुछ करती नहीं है, सिर्फ घोषणाएं करती है। 5 साल उन्होंने अपने किसी भी घोषणा पर अमल नहीं किया और जिसका प्रतिसाद जनता ने कांग्रेस को दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की बातों में सच्चाई रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी यही कहा था कि मैतारी वंदन योजना की राशि उनको निश्चित समय पर मिलेगी। प्रावधान बनाने में जो समय लगता है उस समय के अतिरिक्त बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। दिल्ली की सत्ता के संग्राम में वाक युद्ध चरम पर पहुंचने को तैयार, दावों और वादों की नूरा कुश्ती के बीच अब जनता को किसके दावे में दम नजर आता है इसका खुलासा होने में अभी वक्त लगेगा। बहरहाल महासंग्राम 2024 में बीजेपी क्लीन स्वीप से कम कुछ नहीं मानने को तैयार। वहीं सूबे की सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस को बीजेपी की वादा खिलाफी से आस है। न्यूज 18 के लिए रायपुर से तनु वर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सभी 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। ये दावा दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं। लगे हाथ प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने भी दावा ठोक दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि भले ही हम विधानसभा चुनाव में हार गए लेकिन लोकसभा की सभी 11 सीटें जीतने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। ये दावा है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल का। उम्मीदवारों के नाम तय करने का दावा करते ही रजनी पाटिल ने प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर दिया। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें प्रदेश के तमाम आला नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ मंथन किया। उसके बाद बयान आया, नाम तय हो गए, क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम जीतने जा रहे हैं। अच्छे वोटरों से हम आएंगे छत्तीसगढ़, हम हमारी तरफ लाएंगे लोकसभा में। सभी सीटें क्लियर हो गई मैम? सभी सीटें में जाएंगी। अब सीसी में पैनल बनाया मैम कुछ सीटों पर? नहीं, अभी इतना जहाँ पे हमें थोड़ा लगता है कि पूछना है, निर्देश लेना है, उसके लिए पैनल बनाया। बाकी क्या उम्मीद है, बड़े कितनी सीटें आ रही है अभी? वो तो मैं अभी यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन आज पूछेंगे तो 11 से 11 हम जीतने वाले। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव ने भी कहा कि सभी सीटों पर नाम तय हैं, लेकिन जहां दावेदार एक से अधिक होंगे उन सीटों पर दोबारा चर्चा जरूर होगी। लगे हाथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के बड़े नेता चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी सर? मुझे नहीं लगता, फाइनल हो गई अब। हाँ, जहां एक से ज्यादा नाम होंगे तो उसकी फीडबैक ले सकते हैं। तो सीसी का सर, वो तो सीसी तय करेंगे। सीसी के पहले सारा फीडबैक लेके सीसी फाइनल। क्या उम्मीद है, कब तक सर सीसी फाइनल बना लेंगे? तो सीसी के मेंबर हैं सर। क्या बड़े नेता पार्टी के चुनाव लड़ेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्य चेहरे जो हैं? लड़ सकते हैं। आप भी हैं उसमें सर? मैं, पारिवारिक कारण है, व्यक्तिगत कुछ कारण है। बघेल साहब करेंगे? संभावना तो माननी चाहिए। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से बाहर निकले प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। उन्होंने दावा किया, भले ही हम विधानसभा चुनाव हार गए लेकिन लोकसभा की सभी 11 सीटें जरूर जीतेंगे। खुले माहौल में चर्चा करी है और 11 की 11 सीटों के ऊपर अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और जो विनेबल कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट हम लोगों ने किया है और चर्चा करी है और एक ही क्राइटेरिया है कि कैसे हम लोकसभा का चुनाव जीतें। छत्तीसगढ़ में हम विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे लेकिन हमारा जो वोट का डिफरेंस था वो 1.5% का था, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो नई सरकार बनी है वो अपने वादे पूरे करने में पूरी तरह फेल हो चुकी है और 10 साल की जो केंद्र की सरकार है उसकी रिपोर्ट भी लोग देख रहे हैं।
जिस तरह से छत्तीसगढ़ बीजेपी में सरगर्मी नजर आ रही थी, लग रहा था कि विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव के लिए भी वो सबसे पहले उम्मीदवार घोषित करेगी। लेकिन कांग्रेस के मौजूदा दावे बता रहे हैं कि इस मामले में उसने बढ़त बना ली है। हालांकि अभी नाम का खुलासा नहीं हुआ, इस लिहाज से कैंडिडेट घोषित करने के मामले में कम से कम कांटे की टक्कर जरूर है। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अशरफ काजमी की रिपोर्ट। और अब खबर असरदार में बात पहाड़ों की करेंगे, जहां बर्फबारी लगातार जारी है। कई लोग तरसते भी हैं बर्फबारी के लिए, तो वहीं कुदरत ने सबकी मुराद पूरी कर दी। वादियों के साथ साथ सड़कों पर भी बर्फ की चादर चढ़ी हुई है। तीन पहाड़ी राज्यों में अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने से दिक्कतें भी खड़ी होने लगी हैं। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, हर तरफ सफेदी छाई हुई है। जम्मू कश्मीर हिमाचल की वादियां बर्फ से गुलजार है, वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है। इन 6 तस्वीरों में देखिए, ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ों पर हिमयुग लौट कर आ गया है। जहां तक नजर जाएगी बस बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद तो दूर दूर तक बस बर्फ ही बिछी हुई है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। श्रीनगर में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है, सड़कों पर 2 इंच से ज्यादा बर्फ जमी हुई है। सैलानियों की तो बहार ही आ गई, वो जमकर मस्ती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नज़ारा पहलगाम का नहीं, सोनमर्ग का नहीं, गुलमर्ग का नहीं, बल्कि श्रीनगर की सड़कों पर ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। लगभग 4 से 5 इंच की जो बर्फ है वो सड़कों पर जमा हो गई है। एक सफ़ेद मोटी चादर जो है बर्फ की वो बिछी हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, इसके लिए लोग दुआएं कर रहे थे। और जब से चिल्ला खुर्द की शुरुआत हुई है तब से ही मौसम बिल्कुल बदल गया है, और उसी वक्त से जो है यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल रही है, और आज भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। कश्मीर की ऊंची ऊंची वादियों में हर जगह बर्फ दिखाई दे रही है। इतने कठिन हालातों के बीच सेना के जवान एक गर्भवती महिला के लिए देवदूत बन गए। कुपवाड़ा में जवानों ने एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया, क्योंकि बर्फबारी से रास्ते बंद हो चुकी थी। देश के कोने कोने से सैलानी गुलमर्ग पहुंचे हुए हैं, वहीं विदेशी पर्यटक भी कश्मीर टूर पर आए हैं। स्कीइंग को लेकर रोमांच दिखाई दे रहा है। गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है और टूरिस्ट भी काफी खुश है, और सभी लोग हैं जो मुंतजर थे आज तक बर्फबारी हो। और क्या कहेंगे आप इस हवाले से, टूरिज्म के हवाले से? गुलमर्ग जो है हमारी ये राउंड डेस्टिनेशन है, और खासकर ये स्नोफॉल में विंटर में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पे हम जो स्कीइंग कराते हैं विंटर में, उसके लिए काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हम लोग कराते हैं, और हर कोई थ्रू आउट जम्मू कश्मीर और पूरे देश में स्नोफॉल का इंतज़ार कर रहा है। अनफॉर्चुनेट थोड़ा जनवरी में स्नोफॉल डिले हुआ, वी हैड ए गुड स्नोफॉल जैसे कि आप देख रहे हैं। स्कीइंग भी आज हम लोगों ने शुरू किया, हमने इसकी पेट्रोल टीम भी डिप्लॉय की है हर जगह से, एंड वी आर हैप्पी। रामबन की इस मनमोहक तस्वीरों को देखिए, बर्फ से दूर दूर तक सब ढक चुका है। पुलवामा में भी बर्फबारी को लोग तरस रहे थे। त्राल में भी हर तरह बर्फ ने डेरा जमाया हुआ है। बर्फबारी से जहां स्थानीय लोग खुशहाली की उम्मीद लगाए हुए हैं, तो वहीं खराब मौसम दिक्कतें भी पेश कर रहा है। लेह में बर्फ गिरने से हवाई और सड़क यातायात पर बड़ा असर पड़ा है। मीना मार्ग में 12 इंच बर्फबारी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की ऊंचाई वाले इलाकों में हर तरफ बर्फ ही नजर आ रही है। डलहौजी में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। शिमला में भी बर्फबारी से हर तरफ सफेद उजाला फैला हुआ है। काफी समय बाद लोगों की मन की मुराद पूरी हुई है।
लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान -6 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं उत्तराखंड में भी मौसम की चाल पूरी तरह से बदल चुकी है। उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। चमोली के ग्रामीण इलाके भी बर्फ से ढके हुए हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। एक दर्जन से ज्यादा गांव पूरी तरह बर्फ से ढके हुए हैं। चकराता में सड़कों पर बर्फ ने घर बना लिया है। यहां स्नो ब्लोवर मशीन से सड़क की बर्फ हटाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए इसी के साथ खबर असरदार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18।